बस हम निकलने वाले थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पे जाके एक सनसेट ले लिया जाए। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड इवनिंग सभी को। एंड यह सभी हो चुकी है शाम तो नहीं, लिटिल बिट नाइट, रात का समय है। सुबह मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि अभी मेरा सेकंड ब्लॉग ही जाएगा, तो हैबिट में बिल्कुल भी नहीं है क्या करना है कैसे करना है, सब कुछ थोड़ा मेरे लिए नया है। बट यस, कल से पूरा सुबह उठ के ही सुबह से शूट करेंगे। एंड अभी हम मैं ऑफिस से आई हूँ और मैंने चाय पी ली है, अभी थोड़ी सी भूख लगी है तो सोच रही हूँ कि कुछ चूड़ा मटर बनाऊँ। जो लोग यूपी बिहार से हैं वो समझते होंगे कि चूड़ा मटर कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसेस मैं अभी बनाऊंगी तो दिखाती हूँ, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो चूड़ा मटर में जो बेसिकली चीज़ें इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं वो है मटर, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर एंड ग्रीन चिल्ली। एंड यस, कढ़ाई इज़ मैंडेटरी, बिना कुकिंग प्रोसेस कढ़ाई में हल्का सा रिफाइंड डालेंगे। जो लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं वो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी इसमें रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। जब ये गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालने वाली हूँ राई। आई डोंट नो कि आप लोग क्या बोलते होंगे, ऑयल एकदम गर्म हो चुका है एंड थोड़ा पीछे हटते हुए, सावधानी बहुत ज़रूरी है और मेरी ये सब जो किचन में गंद फैला हुआ है उसको थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए तो प्याज डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स, टमाटर लेंगे और इसमें डाल देंगे, लेंगे इसमें डाल देंगे एंड फिर तो राउंड राउंड घुमाना है। अब ये पकने लगा है तो इसमें हल्का सा मैं डालूँगी नमक, नमक डालने के बाद थोड़ा जल्दी पक जाती है, हल्का सा एकदम। तीनों चीज़ें भून चुकी हैं तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर एंड इसको भी भून लेंगे थोड़ा अच्छे से। हर किसी का अपना अपना प्रोसेस होता है बनाने का, मैं तो कुछ इस तरीके से ही बनाती हूँ। फिर डालेंगे इसमें पोहा, चूड़ा, जो भी आप बोलते हैं, एंड इसको मस्त फ्राई कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी ना हो जाए। तब तक के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ चलाते जाना है, जैसे कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी के बनने तक कढ़ी को उससे चलाना होता है, उसी तरीके से जस्ट हम चूड़ा भी चलाते हैं। इसके बाद इसमें भुजिया नमकीन डालना है, कुछ भी चीज़ें डालनी है ऐड करनी है वो आप डाल सकते हो। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा पोहा बन के रेडी हो गया। इसको पोहा भी बोल सकते हैं, चूड़ा मटर बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। कैसा लगा आपको मेरा पोहा एंड रेसिपी मुझे ज़रूर बताना। एंड ये बहुत क्रिस्पी हो जाता है एकदम से, कुड़ुम कुड़ुम। हेलो, हाँ जी, तो आज का दिन कुछ मेरा ऐसा रहा और फाइनली मेरा ब्लॉग पूरा कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया क्योंकि सुबह ही मैं ऑफ़िस चली गई थी और उसके बाद बस फुल डे ऑफिस, एंड हमने छोटी सी एक रेसिपी शेयर की है चूड़ा मटर की, जो कि थोड़ा बहुत मैंने क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की, मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। बट यस, कल से मैं कंटिन्यू चीज़ें करेंगे, सुबह उठना एंड जो मैं करती रहूँगी स्टेप स्टेप दिखाएंगे। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स, दोस्त, आपके परिवार वाले सबको शेयर करना अगर वीडियो इतना ठीक लगे तो। क्या जा रहा है यार, कर देना शेयर। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नए
ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।